झारखंड में भूमाफियाओं का जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जाना कोई नई बात नहीं है। इनकी हिम्मत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अब सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। ताजा मामला देवघर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का है, जिसको लेकर प्रशासन अब सख्त हो गई है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल एयरपोर्ट और एम्स के पास जलाथर मोजा में सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा न सिर्फ फर्जी तरीके से कब्जा कर लिया गया था, बल्कि कुछ लोगों को जमीन लीज पर भी दे दी गई थी। देवघर एसडीओ के संज्ञान में जब यह मामला आया, तब उन्होंने कब्जेधारी को बार बार नोटिस भेजा। बावजूद इसके कब्जाधारी ना तो कोर्ट आया, ना ही उसने जमीन खाली की, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। इधर एसडीओ ने जनता से जमीन लेने से पहले जांच कराने की अपील की है। और देवघर में ये पहला मौका नहीं है ऐसा हो रहा है, और भी सरकारी में ऐसे कई इंस्टेंसेस आए हैं जिनमें अतिक्रमण चल रहा है, तो उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और जनता से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि देवघर में जो भी जमीन खरीदें तो उसका पहले एक बार ये संतुष्टि अपने लेवल पर कर लें, खासतौर पर जब वो सरकारी भूमि है, कि ये जेन्युइन प्रॉपर्टी है कि नहीं है। क्योंकि कई केसेस ऐसे आते हैं जिसमें लोगों का धोखा हो जाता है और सरकारी भूमि को घुमा के लोग जो है वो कागजों को तोड़ मरो के उसको फिर बेच देते हैं, तो फिर खामियाजा जो है वो एक आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। तो एक इसके लिए संदेश में रहना चाहता हूँ। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।